Very good morning to you all, kids. And as we have finished our chapter related with the four cities and the Indus Valley civilizations, we will do the let's sum up or the let's recall. You must know what the main points were in the chapter, कौन-कौन से main points थे जो आपको हमेशा याद होने चाहिए. Because if you will recall all these main points, then you will be able to recall the chapter. तो आप पूरा chapter recall कर पाएंगे if you know these main points. So let us start with it. The first one is, a civilization is a developed state of human society. There were four ancient civilizations which come up around the same time along the rivers Indus, Tigris and Euphrates, Nile and Huanghu. सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो डिस्कस किया था कि सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, एक डेवलप्ड स्टेट है जहां पे बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी होती हैं. ट्रेड, इकोनॉमी, लिविंग स्टाइल, ऑल दिस थिंग्स आर डेवलप्ड. सो द सिविलाइजेशन इज अ डेवलप्ड स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. और चार एंशियंट सिविलाइजेशंस जो थे वो लगभग एक ही समय में फ्लरिश किए, लगभग एक ही समय में वो आए. एंड दे ऑल वर अलोंग द रिवर्स एंड द फोर वर्स. फर्स्ट वन वॉज अलोंग द रिवर इंडस, देन सेकेंड वन इज टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, देन नाइल एंड द हुआंगहो. सो दीज फोर एंशियंट सिविलाइजेशंस. एंड द रिवर इंडस, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, वी डिस्कस दैट ओनली इन द चैप्टर. देन द नेक्स्ट वन इज द इंडस सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड बिटवीन 3000 BC एंड 1500 BC इन द वैली ऑफ द इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कब फ्लरिश हुआ था, बिटवीन द 3000 BC टू 1500 BC. एंड आई हैव आस्क्ड यू टू ड्रॉ द टाइम लाइन ऑल्सो. आप वो टाइम लाइन भी जरूर पढ़ेंगे और उसे कॉपी में ड्रॉ करेंगे, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर. ओके, और दैट वॉज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. द थर्ड पॉइंट, द हड़प्पन सिटीज हैड अ प्रॉपर सीवेज सिस्टम, द स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स कवर्ड विद लार्ज ब्रिक स्लैब्स, एंड देयर वर ऑल्सो प्रॉपर रोड्स कटिंग एट राइट एंगल्स. जो हड़प्पन सिटीज थे वो बहुत ही डेवलप्ड और बहुत ही परफेक्ट टाउन प्लानिंग थी उनकी. जो पूरा सीवेज सिस्टम था दैट वॉज ऑल अंडरग्राउंड. पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अंडरग्राउंड था. जितने भी स्ट्रीट्स में ड्रेन्स जितने भी थी, नालियां थी, उन्हें कॉन्क्रीट स्लैब से ढका हुआ था. कहीं भी वो खुली हुई नहीं थी. कुछ इरेग्युलर इंटरवल्स पे कुछ एक होल्स बने हुए थे जिससे कि लोग अंदर जाते होंगे और उनकी सफाई करते होंगे. बट दैट वॉज अ परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम. बहुत ही सही सीवेज था वहाँ. एंड दे वर ऑल्सो प्रॉपर रोड्स. और हर एक इंटरवल के बाद, कुछ घरों के बाद, प्रॉपर रोड्स थे. बहुत ही वाइड रोड थे और वो हर रोड एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते थे. सो इट वॉज अ परफेक्ट टाउन प्लानिंग एंड द आर्किटेक्ट देयर. नेक्स्ट वन, स्पिनिंग एंड वीविंग वर वेल एस्टैब्लिश्ड क्राफ्ट्स. पीपल वोर कॉटन एंड वुलन क्लोथ्स. वुमेन वोर ज्वेलरी एंड यूज्ड आइवरी कॉम्ब्स. Society was probably organized on the basis of occupation. Okay, spinning, weaving, हम लोगों ने पहले भी क्या डिस्कस किया था कि क्योंकि जो फूड था, जो कल्टिवेशन हो रहा था, एग्रीकल्चर था, दैट वॉज सरप्लस. फूड अमाउंट जो था वो लोगों के कंजम्पशन से ज्यादा था. तो हर कोई एग्रीकल्चर पे नहीं डिपेंड कर रहा था. हर कोई को केवल एग्रीकल्चर करने की जरूरत नहीं थी. और जिसके कारण दूसरे भी ट्रेड्स फ्लरिश किए, दूसरे भी ऑक्यूपेशंस थे, प्रोफेशंस थे जिसमें लोग लगे हुए थे. दैट वॉज स्पिनिंग, वीविंग, आइवरी मेकिंग द ज्वेलरी फ्रॉम आइवरी एंड द मेटल कास्टिंग. ऑल दीज वर डन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन. एग्रीकल्चर वॉज द मेन स्टे ऑफ द इकोनमी अलॉन्ग विद पॉटर्स, वीवर्स, फिशरमैन एंड ट्रेडर्स. हालांकि पूरी की पूरी पॉपुलेशन उस पर डिपेंड नहीं करती है, पर फिर भी एग्रीकल्चर वॉज द मेन स्टे. नाउ इवन टूडे वी से दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. यहाँ एग्रीकल्चर पे ही ज्यादा से ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं. सो एंड दैट वॉज अलॉन्ग द रिवर साइड. वो रिवर बैंक पे था तो सॉइल भी बहुत फर्टाइल था वहां इन द वॉटर के कारण. सो
एग्रीकल्चर वॉज द मेन स्टे और उसके साथ साथ पॉटर्स, वीवर्स, फिशरमैन और ट्रेडर्स भी थे, इस तरह के भी ट्रेड्स वहाँ होते थे. ब्रोंज फिगर्स, सील्स एंड पॉटरी प्रोवाइड क्लूज अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द इंडस वैली पीपल. और जितने भी फिगर्स मिले हैं, डिफरेंट स्कल्पचर्स मिले हैं, स्टेचूज हैं, पिक्चर्स हैं, वो ये बताते हैं जैसे कि राइनोज हैं, एलिफेंट है, बुल है, प्रिस्ट किंग है, द डांसिंग गर्ल, ये सब ये बताते हैं कि उनका रिलीजियस बिलीफ कैसा था, वो किस तरह की लाइफ जीते थे, वहाँ सोशल लाइफ कैसा था. ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर फ्रॉम द थिंग्स विच आर बींग एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द डिफरेंट साइड्स. एंड देन द लास्ट वन, द इंदस स्क्रिप्ट इज स्टिल नॉट डिसाइफर्ड एंड द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज नॉट नोन. एक दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट, ये मैंने पहले भी कहा है कि अभी तक हम लोग उसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, उस पिक्टोग्राफ को, कि वो लोग जो भी कुछ लिखे थे, जो भी उन लोगों का इनग्रेव्ड हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, अगर हम उसे पढ़ पाते तो शायद और भी ज़्यादा से ज़्यादा जान पाते उन लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में. ओके, सो वी आर स्टिल नॉट अवेयर अबाउट एवरीथिंग. नाउ दिस इज ऑल विद योर लेट सम अप एंड द रिकॉल्स. डू द एक्सरसाइजेस नाउ. दिस इज द एक्सरसाइज. लेट अस डू द MCQs first. The first question is, a dockyard has been found at the Indus Valley site of, kis Indus Valley site pe dockyard ke remains mile hain? That is Lothal. Okay, the answer is Lothal. The second question, the bronze figure found at an Indus site is that of a, kis cheez ka bronze figure mila hai jo bahut hi zyada popular bhi hua hai? That is the bronze figure of a dancing girl. एक dancing girl का picture है, that shows that how much the metal was also used in the crafts. Okay, किस तरह statues वगैरह बनाने में काम आता था और वो लोग metal casting भी जानते थे. Now the third question is, dash were commonly grown in the cities. कौन से इसमें से जो crops हैं जो वो सबसे commonly grow किए जाते थे? And the answer is millets. Millets were commonly grown in the cities. Now come to the next one. The cuneiform script belonged to Sumer, the Sumerian civilization. Okay. Then the number 5, dash was an important Indus Valley site. Inme se kaun sa ek bahut hi important Indus Valley site tha? The answer is Alamgirpur. Okay. Now the number 6. The literal meaning of the word Mohenjo-daro is, Mohenjo-daro का जो literal meaning है, जो शाब्दिक अर्थ है, वो क्या होता है? The meaning is mound of the dead. Okay. Now the last one, the script of the Indus Valley civilization was, जो script है, जिस script में लिखी गई है Indus Valley civilization की चीजें, वो कौन सा script है? That is pictographic. Okay, that is the pictographic script. Now see the match it. First one is town hall. Town hall was also called the auditorium, जहां बहुत सारे लोग जमा होते थे और meetings वगैरह होती थी. That is auditorium. Number 2, script. Script क्या था Indus Valley civilization का? That was pictographic. Okay, then the number 3, great bath. Great bath was used in the religious ceremonies. ये माना जाता है कि religious ceremonies में great bath से लोग नहा के निकलते थे और फिर अपने अपने rituals में participate करते थे. Okay? And then the fourth one, citadel. Citadel was the raised area in the western side of the cities. Citadels raised area होते थे शहर के western side में. And then the last one is Mother Goddess. Mother Goddess statue was made of terracotta. Terracotta work se bana hua hai Mother Goddess ka statue. Now the one words we will do, and then the question answers you have to find and do by your own. Okay? A place where grains were stored. Grains jahan store kiye jate the, us place ko kya kaha jata tha? That place was called the granary. Okay? A tree sacred to the Harappans. कौन सा tree था जिसकी पूजा की जाती थी, बहुत पवित्र माना जाता था? That was peepal. We still
say that it's a really very a sacred tree. Then the third one, an engraved piece of clay used as a stamp. Piece of clay, मिट्टी और स्टोन, बहुत ही सॉफ्ट स्टोन का बना हुआ ये होता था और उस पर कुछ पिक्चर्स वगैरह एनग्रेव्ड होते थे और उसे स्टैम्प की तरह यूज किया जाता था. दैट इज सील. ओके, अ सब्सटेंस फ्रॉम विच कॉम्ब्स वर मेड. कॉम्ब किस चीज से बनाए जाते थे? आइवरी. एंड देन द लास्ट वन, वुमेन यूज दिस टू हाईलाइट देयर आईज. उस वक्त की औरतें भी अपने आप को सजाने सवारने का काम करती थी. वो ज्वेलरीज पहनती थी, ऑर्नामेंट्स उनके पास बहुत सारे थे. वी हैव सीन द पिक्चर्स ऑल्सो. सो दे यूज्ड कोल और द काजल टू हाईलाइट देयर आईज. लाइक द स्टिल टूडे द वुमेन डू दैट टू हाईलाइट देयर आईज. आज भी लोग अपने आंखों को हाईलाइट करने के लिए काजल लगाते हैं. सो द सेम थिंग वॉज डन एट दैट टाइम ओनली. ओके, so women use this to highlight their eyes and that is kajal. So that's all with the back exercises and you have to find the answers of the short question answers and try to write them down. Pehle aap rough mein likhiye, then do fair to it. Okay, thank you.